बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिहार में पटना एयरपोर्ट से भी बड़ा दरभंगा एयरपोर्ट बनने वाला है, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ क्षमता से अधिक यात्रियों का भार ढो रहे पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी राहत मिलेगी। खबरों की माने तो दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे को कुछ खास तरीके से बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रनवे पर फाइटर प्लेन को भी उतारा जा सके, कुछ ऐसा तैयार किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए योजना पर काम भी शुरू कर दी गई है। दरभंगा के विद्यापीठ एयर टर्मिनल से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई उड़ान का सपना जल्द साकार हो सकता है। यह अस्थायी टर्मिनल महानगरों की तर्ज पर पोटा केबिन और रनवे निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि बारिश के कारण काम में थोड़ी बाधा आ रही है, फिर भी अक्टूबर से उड़ान शुरू होने की तैयारी है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर पूर्व से बने रनवे की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। इसे तकरीबन 10 इंच ऊंचा किया जा रहा है। रनवे बनाने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अलकतरा के साथ सीमेंट भी मिलाई जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे 9000 फीट लंबा है, जबकि पटना एयरपोर्ट का रनवे 6000 फीट ही है। जानकारी के मुताबिक दरभंगा का रनवे फाइटर प्लेन की उड़ान के लिए भी पूरी तरह से उपयुक्त बताया जा रहा है। ये बड़े विमानों के उतरने के लिए भी पूरी तरह से अनुकूल है। यात्रियों को जांच के बाद उन्हें विमान तक ले जाने के लिए वायुसेना केंद्र में 20 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण हो रहा है। सेना की चार दीवारी के ठीक बगल से होते हुए यात्रियों को विमान तक ले जाया जाएगा। यहां बन रहे अस्थायी भवनों के बाहर लोगों को घूमने या वायुसेना केंद्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर एक साथ 3 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था है। 2 विमान एक दिशा में तो तीसरा इसके ठीक विपरीत दिशा में खड़ा रहेगा। तीनों विमानों में से एक के उड़ान भरने के बाद ही किसी अन्य विमान की लैंडिंग की इजाजत होगी। फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर एक साथ 5 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था है। जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त से स्पाइस जेट के विमानों का परिचालन शुरू होना था। कंपनी ने बीते 6 मार्च को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। पिछले दिनों बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने अक्टूबर से परिचालन की जानकारी दी थी। स्पाइस जेट के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं कि रनवे का काम पूरा होने के बाद जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाएगा, विमानों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल 1 अगस्त वाली डेडलाइन तो पूरी नहीं हो पा रही है। लोगों को बेसब्री के साथ दरभंगा एयरपोर्ट के शुरुआत होने का इंतजार है। इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।